ईश्वर कबीर जी थे वो विद्वान। तो कहने का भाव ये है कि वेद भी ऑप्शन छोड़ दिया वेदों ने भी कि उस तत्व ज्ञान को तो कोई तत्वदर्शी संत बताएगा। अगर यहां कोई कहे गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में इन्होंने ब्रह्मणे मुखे का अर्थ वेद की वाणी लिख दिया, पर प्रथम तो ब्रह्म माने वेद नहीं होता, इन्होंने तत्व ज्ञान से अपरिचित होकर के ऐसे अनर्थ किए हैं। ब्रह्म तो समझो परमात्मा है, वेद उसका विधान है। राजा का अर्थ विधान संविधान नहीं किया जा सकता, अगर कोई करता है तो वो उस उल्लेख से परिचित नहीं, उसमें लेखक बताना क्या चाहता है। तो गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में ब्रह्मणे मुखे का अर्थ इन्होंने अनर्थ कर दिया, वेद की वाणी लिख दिया। यहाँ लिखना था सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी, जबकि 17 में जाए के 23 में श्लोक में यही ब्रह्मणे शब्द है, ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मणे त्रिविध समर्थ है, उसमें ब्रह्मणे का अर्थ वहाँ ठीक किया इन्होंने। सच्चिदानंद घन ब्रह्म के पाने का, सच्चिदानंद घन ब्रह्म का ओम तत्सत ये तीन मंत्र के जाप का निर्देश है, या त्रिविध समर्थ, ये तीन प्रकार से इसका सेवन होता है। अब यहाँ ओम तो ब्रह्म का और तत् ये अक्षर ब्रह्म का और सत ये परम अक्षर ब्रह्म का, यानी तत् और सत ये दोनों सांकेतिक शब्द हैं, ये दास बताओगा। और किसी के पास इस पृथ्वी पर इस 21 ब्रह्मांड में ये ओम तत् सत का वास्तविक ज्ञान नहीं है। ओम तो सीधा ब्रह्म का, तत् ये परब्रह्म का, इसको अक्षर पुरुष भी कहते हैं। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में शर पुरुष और अक्षर पुरुष ये दोनों दो भगवान बताए हैं, और 17 में कहा कि इन दोनों से अन्य कोई श्रेष्ठ परमात्मा है, वही वास्तव में अविनाशी है, वही पूर्ण परमात्मा है, वो सबका धारण पोषण वही करता है, सबका मालिक कुल का वो मूल रूप परमात्मा वही है, वो परम अक्षर ब्रह्म है। तो ये ओम तो इस सर्वपुरुष का यानी ब्रह्म का जाप है, काल का, जो ये स्वयं भी स्वीकार कर रहा गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में। और तत् और सत्य, तत् ये परब्रह्म का है, ये गुप्त है, ये दास बताएगा, और सत्य ये भी गुप्त है, ये परम अक्षर ब्रह्म का मंत्र है। इन तीनों को मिलकर इनकी तीन प्रकार से विधि है सिमरण करने की, और इसका जाप करने से वो पूर्ण मोक्ष प्राप्त होता है, जहाँ जाने के बाद फिर कभी जन्म मृत्यु नहीं होती, वो शाश्वत स्थान प्राप्त होता है। तो उसके लिए ऑप्शन छोड़ दिया कि वो तत्वदर्शी संत बताएंगे। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा है कि वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में ये धार्मिक यज्ञों यानी अनुष्ठानों का विस्तृत उल्लेख है, और उनको जानने के बाद फिर कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा। उस ज्ञान को अब चौथे अध्याय के 33वें श्लोक में कहा है कि भाई दर्व यज्ञ से, यानी आंख मीच के कि तब मंदिर का लठगटवा दिया, कि तब को दान धर्म कर दिया, कि तब भंडारे करवा दिया, कि तब कंबल बांट दिए। कहते हैं आंखें बंद करके दर्व यज्ञ करने की अपेक्षा वो ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है, वो ज्ञान यज्ञ ही श्रेयकर है, वही लाभदायक है। ज्ञान यज्ञ का तात्पर्य सत्संग, तत्वदर्शी संत के वचन, उनको सुनना चाहिए, उसके बाद फिर उसके बताए अनुसार विधिवत साधना करने से और दान करने से लाभ होगा, वैसे मनमाना आचरण करने से कोई लाभ नहीं होगा। अब वो तत्व ज्ञान, वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में जिसके विषय में कहा गया है, वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म के मुख से बोली गई है, वो कबीर वाणी कहते उसको चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा है, उस तत्व ज्ञान को, वो तत्व ज्ञान है, तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। उस तत्व ज्ञान से तो गीता ज्ञानदाता यानी ब्रह्म भी अपरिचित है, वो अल्पज्ञ है, वो कंप्लीट ज्ञान नहीं रखता। नहीं तो 4 बात और लिख दो, जब 18 अध्याय बोले ये भी कह दो ये बात है, उसमें ये ज्ञान हर ऐसा है, नहीं उसको पता नहीं, उसने उसको नष्ट कर दिया, ये स्वयं भी पढ़ा नहीं। अब उसमें कहा कि उस तत्व ज्ञान को तू चौथे जाएंगे 34वें श्लोक में उन तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर विनम्र भाव से प्रसन्न करने से वो परमात्म तत्व को जानने वाले, वो ज्ञानी महात्मा तत्वदर्शी संत तुझे उस परमात्म तत्व की जानकारी देंगे। और ये कृष्ण भगत, ये गुरु नकली कृष्ण जी के उपासक भ्रमित कर रहे हैं समाज को,
कहते हैं कृष्ण ही तत्व है, तत्व ही भगवान है, भगवान ही सब कुछ है, श्री कृष्ण ही सब कुछ है, ये परम तत्व है, अविनाशी तत्व है। और फिर उसे प्रश्न किया, क्या ब्रह्मा विष्णु महेश नाशवान है? कहाँ, ब्रह्मा विष्णु महेश का जन्म मृत्यु तो नहीं कह सकते, सर्ग के बाद फिर उनका पूर्ण परमात्मा में विलीन हो जाते हैं और फिर सर्ग के बाद वापस आ जाते हैं। फिर प्रश्न किया कि ब्रह्मा विष्णु महेश किसकी साधना करते हैं? कहते उस पूर्ण परमात्मा की साधना करते हैं। अरे विष्णु जो पूर्ण परमात्मा की साधना करते हैं तो फिर अखिल ब्रह्मांड का नायक क्यों हो गया यू? और यहाँ चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में जो एंड वेंड कर रहे हैं, भूआ वाई बक रहे हैं कि कृष्ण ही तत्व है, तत्व ही परमात्मा है, कृष्ण ही अविनाशी है, तत्व ही अविनाशी है। परमात्मा कहते हैं सटदल उआ बाई बकदा, ये उआ बाई बकते इनको कोई ज्ञान नहीं है, भ्रमित करें, पूरे मानव समाज को बर्बाद करें। तो पुण्यात्माओं, इस प्रकार हमने परमात्मा सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी को, जो उन्होंने स्वयं आकर के कबीर देव रूप में, धानक कबीर रूप में, जुलाहा कबीर रूप में बनारस में बोली, धर्मदास साहेब जी ने, उनकी प्यारी आत्मा ने, जिनको परमात्मा मिले थे, उन्होंने लिपिबद्ध किया। उसके अंदर ये विशेष रहस्य और सब ज्ञान प्रमाणित है, सब प्रकार के यज्ञ कौन से करने चाहिए, कौन से ना करने चाहिए और कौन सी साधना सही है, वो सब स्पष्ट लिखा हुआ है। आज इस दास के पास वो सब मसाला उपलब्ध है, वो जड़ी उपलब्ध है, जिससे जन्म और मृत्यु का रोग कटेगा और सदा हम सतलोक में जाकर सुखी रहेंगे। उसको प्राप्त करो, अपना कल्याण कराओ। बोलो सतगुरुदेव। परमपिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार, कबीर देव जी हैं, कबीर साहब हैं, कबीर परमेश्वर हैं, ये वो परमात्मा हैं जो हमारे पापों का नाश कर सकते हैं, हमारे प्रारब्ध कर्मों को भी ये समाप्त कर सकते हैं जो हमें दुखदाई हों। पुण्य कर्मों से प्राणी को सुख होता है, पाप कर्मों से दुख होता है, कष्ट होता है, संकट आते हैं। संकट निवारण के लिए जो प्रारब्ध के अंदर संकट होते हैं या तीन ताप के अंतर्गत संकट आते हैं, कष्ट आते हैं, उनका समाधान, उनका निदान केवल कबीर देव कर सकते हैं, कबीर साहब कर सकते हैं, वो परम अक्षर ब्रह्म, वो पूर्ण परमात्मा हमारे भाग्य में परिवर्तन कर सकते हैं, हमारे प्रारब्ध कर्मों के पाप का नाश कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का कोई भी पाप हो, उन सब का नाश केवल कबीर देव, कबीर साहेब, परम अक्षर ब्रह्म, पूर्ण परमात्मा ही कर सकते हैं। यही परमात्मा परमेश्वर अपने सनातन परम धाम से गति करके सत्यलोक से चलकर यहाँ आते हैं और यहाँ काल ने अपने नकली गुरुओं द्वारा अपने तक अज्ञान से सीमित कर रखे उन ऋषियों महर्षियों द्वारा पूरे मानव समाज को तत्व ज्ञान से अपरिचित रखा हुआ होता है और लोक वेद पर आधारित किया हुआ होता है। आज सुबह भी यही बताया था कि काल भगवान को, जो यहाँ 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, इसने भयंकर गलती की थी सतलोक में, जिस कारण से इसको श्राप लगा हुआ है। 100,000 मानव शरीरधारी प्राणियों का नित आहार करता है, उसके लिए इसने अपने 3 पुत्रों को यहाँ का प्रबंधक बना रखा है, एक एक विभागीय मंत्री बना रखा है और तीनों पुत्रों को एक एक गुण युक्त किया हुआ है। श्री ब्रह्मा जी इस काल भगवान के
ये ज्येष्ठ पुत्र हैं और ये रजगुण युक्त हैं, और श्री विष्णु जी ये काल भगवान के जो दुर्गा से उत्पन्न किए हैं इसने, यानी दुर्गा श्री ब्रह्मा जी श्री विष्णु जी श्री शिव जी की माता है, और ये काल भगवान जो गीता ज्ञान दे रहा है श्री कृष्ण में प्रवेश करके, ये इनका पिता है। इसने अपने आहार के लिए हम सभी को यहाँ मिसगाइड करके, भ्रमित करके, हमें विवश करके यहाँ रोके हुए है, और हमें विवश करके ही यहाँ सब क्रियाएं हमसे करवा रहा ये काल भगवान। दुर्गा ब्रह्मा जी विष्णु जी और शिव जी की माता है, ये इस काल अर्थात सर्पुरुष जिसे ब्रह्म भी कहते हैं उसकी पत्नी है, और इन दोनों के संयोग से श्री ब्रह्मा जी श्री विष्णु जी श्री शिव जी की उत्पत्ति हुई है। इस काल भगवान ने अपने आहार के लिए इन तीनों को एक एक गुणयुक्त कर रखा है, और इनसे निकल रही तरंगें हम सभी को प्रभावित कर रही हैं। जैसे अपनी संचार प्रणाली के अंदर एक टावर होता है, वो टावर एक स्थान पर होता है और उससे निकल रही तरंगें उसकी जितनी भी रेंज है उसमें प्रभाव डाल रही हैं, और मोबाइल फोन उससे क्रियावान है। ठीक इसी प्रकार ये तीनों श्री ब्रह्मा जी रजगुण, श्री विष्णु जी सतगुण, श्री शिव जी तमगुण, ये तीनों देवता, ये काल के पुत्र दुर्गा के पुत्र अपने अपने लोकों में वहाँ रहते हैं। ब्रह्मा जी ब्रह्मालोक में, विष्णु जी विष्णुलोक में, शिव जी शिवलोक में, और वहाँ से इनके शरीर से निकल रही तरंगें इन तीन लोक के प्राणियों को प्रभावित कर रही है। पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक जिसे इंद्र का लोक भी कहते हैं, और नीचे पाताल लोक, इन तीन लोकों के प्राणियों को ये प्रभावित करते हैं, जिस कारण से रजोगुण से प्रभावित होकर के सभी प्राणी संतानों उत्पत्ति करते हैं। ये जीव के बस की बात नहीं, इन गुणों में इतनी प्रबल पावर है, इतनी प्रबल शक्ति है कि जीव इनसे अछूता नहीं रह सकता, इन पर कंट्रोल नहीं कर सकता, जिस कारण से सभी प्राणी संतानों उत्पत्ति करते हैं, ये विवश है। उसके बाद फिर यहाँ की जो सुख सुविधाएं की आवश्यकता है महसूस करता है, फिर ठाठ बाट यहाँ के ढूंढता है, ये भी रजोगुण से प्रभावित होकर ही ये प्राणी करता है, जो श्री ब्रह्मा जी रजोगुण के कारण है उसका प्रभाव है। दूसरा श्री विष्णु जी सतगुण हैं, और श्री विष्णु जी से निकल रही तरंगे हम सभी को यहाँ एक दूसरे में मोह पैदा करते हैं, संतान में मोह, संपत्ति में मोह, मित्र प्यारों में ममता, ये जीव के बस की बात नहीं, इसको सतीथी कहते हैं। और जो संतानों उत्पत्ति ब्रह्मा जी के रजोगुण से हो रही है उसको ये सृष्टि कहते हैं, कि ब्रह्मा सृष्टि करता है और विष्णु सतीथी करता है, और शिव जी का अंडरस्टूड है वो तो संहार करते हैं, वो तमोगुण युक्त रजोगुण से प्रभावित होकर के सभी प्राणी संतानों उत्पत्ति करते हैं, ये जीव के बस की बात नहीं। इन गुणों में इतनी प्रबल पावर है, इतनी प्रबल शक्ति है कि जीव इनसे अछूता नहीं रह सकता, इन पर कंट्रोल नहीं कर सकता, जिस कारण से सभी प्राणी संतानों उत्पत्ति करते हैं, ये विवश है। उसके बाद फिर यहाँ की जो सुख सुविधाएं की आवश्यकता है महसूस करता है, फिर ठाठ बाट यहाँ के ढूंढता है,
यह भी रज